Good morning students, I am Mayank Tiwari. Today we will solve test number 17 of the General Agriculture series. Chaliye start karte hain. To student 1 se lekar ke 10 tak number dal lijiyega. Uske baad last mein apne correct responses evaluate kijiyega. Aur please apna score wahin pe likhiyega taki aapko motivation mil sake. Chaliye start karte hain. Student question number 1 dekhiye. The first recombinant DNA molecule was developed by. Aapko batana hai first recombinant DNA molecule kisne develop kiya tha? ऑप्शन ए पॉल बर्ग, ऑप्शन बी स्टैनली कोहन, ऑप्शन सी हर्बर्ट बॉयर, ऑप्शन डी ऑल. अब स्टूडेंट ये सारे नाम आपने सुने होंगे. अभी स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा. जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं जीनोम में दूसरे ऑर्गेनिज्म के. और स्टूडेंट ये पॉल बर्ग, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली एंड कोहन ये काफी अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया है. लेकिन जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो डेवलप किया था पॉल बर्ग ने. इन्होंने S40 वायरस और लैम्डा फेज का डीएनए कंबाइन कर दिया था. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा पॉल बर्ग. स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखिएगा, पॉल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं और एक है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो एलेक्स जेफरीज उनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं. और फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया डॉक्टर लालजी सिंह, ये पहले बीएचयू के वाइस चांसलर थे. अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. द वेक्टर दैट आर हाइब्रिड ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड आर. जो वेक्टर लैम्डा फेज और प्लाज्मिड के हाइब्रिड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉस्मिड, ऑप्शन बी YAC, ऑप्शन सी TI प्लाज्मिड, ऑप्शन डी RI प्लाज्मिड. अभी स्टूडेंट YAC आपने कहीं पढ़ा होगा क्लास 12th में, जहां पे वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं वहीं पे YAC के बारे में भी बताते हैं. YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. स्टूडेंट जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं दे अलाउ द क्लोनिंग विद इन ईस्ट सेल ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरन जीनोमिक डीएनए. मतलब स्टूडेंट देखो, जब आप क्लोनिंग कर रहे होते हो तो साइज लिमिट ऑफ डीएनए मेजर कंसर्न होता है. लेकिन जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट, इसमें आप 500 KB तक का डीएनए डाल सकते हो. और स्टूडेंट जो YAC है ये PBR-322 प्लाज्मिड होता है, ध्यान रखिएगा PBR-322 प्लाज्मिड. स्टूडेंट इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, तो YAC इज एसेंशियली PBR-322 प्लाज्मिड, ये ध्यान रख लीजिएगा. उसके बाद स्टूडेंट एक ऑप्शन था कॉस्मिड, तो जो उसका राइट आंसर है वो कॉस्मिड ही है. कॉस्मिड आर द वेक्टर्स दैट आर हाइब्रिड ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड. जो लैम्डा फेज और प्लाज्मिड के हाइब्रिड होते हैं स्टूडेंट उन्हें बोलते हैं कॉस्मिड. उसके बाद स्टूडेंट ये तो आपने 100% सुना होगा TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड, ये एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज में प्रेजेंट होते हैं. RI प्लाज्मिड होता है आपका रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड होता है आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. अभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है. द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियल सेल इज टेकिंग अप नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज. ऑप्शन ए इलेक्ट्रोपोरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी ट्रांसफेक्शन, ऑप्शन डी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी, ऑप्शन एफ बोथ सी एंड डी. आपको बताना है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिससे बैक्टीरियल सेल नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल को लेता है. तो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसका सही आंसर है. ये आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद आ रहा होगा. द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियल सेल टेक्स अप नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया. तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से जनरल मेथड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बैक्टीरिया के. एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है जिसमें बैक्टीरिया को CaCl2 सॉल्यूशन में रख देते हैं, उसके बाद एक ब्रीफ हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद उसमें डीएनए डाल देते हैं. तो एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है जिसमें CaCl2 यूज करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट एक इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड होता है. इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से उसमें उसकी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स बनाते हैं और फिर उसमें डीएनए का इंसर्शन करते हैं. एक टर्म आता है स्टूडेंट ट्रांसफेक्शन, जो मैंने ऑप्शन में दिया था. ट्रांसफेक्शन एनिमल सेल में जब डीएनए ट्रांसफर करना होता है तो ट्रांसफेक्शन टर्म यूज करते हैं. तो द टर्म ट्रांसफेक्शन वॉज ओरिजिनली कॉइन टू डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन ऑफ फेज डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल. तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब आप फेज डीएनए डालते हो बैक्टीरियल सेल में तो उसको ट्रांसफेक्शन बोलते हैं. लेकिन यहां पे फेज डीएनए नहीं पूछा था, सिंपल डेफिनेशन दे रखी थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन सही आंसर है उसका. उसके बाद स्टूडेंट ये ट्रांसडक्शन एक ऑप्शन था. वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर जो होता है उसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा. स्टूडेंट दो चीजें ध्यान रख लीजिएगा, और जो जेमिनी वायरस होता है उसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और जो कॉलीफ्लावर वायरस होता है उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज ऑफ को डोमिनेंट टाइप. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मार्कर को डोमिनेंट नेचर का है. ऑप्शन ए RFLP, ऑप्शन बी RAPD, ऑप्शन सी AFLP, ऑप्शन डी नन, ऑप्शन ई ऑल. अभी स्टूडेंट ये सारा एक महीने पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था सारा. चलिए फिर भी मैं आपको सारे बता देता हूँ एक बार और. देखिए
तीन आपको मेन याद रखने हैं, आरएफएलपी, आरएपीडी और एएफएलपी। जो आपका जीनोमिक अबुंडेंस होता है आरएफएलपी में, इसमें हाई होता है, इसमें वेरी हाई होता है, एएफएलपी में वेरी हाई होता है। जो इसका ऑप्शन था स्टूडेंट, को डोमिनेंट आपका आरएफएलपी में ही होता है, आरएपीडी आपका डोमिनेंट होता है और एएफएलपी भी आपका डोमिनेंट होता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई होती है को डोमिनेंट वाले की, इसकी इंटरमीडिएट होती है और एएफएलपी वाले की हाई होती है। लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आरएफएलपी में मीडियम होता है, आरएपीडी में हाई होता है और एएफएलपी में वेरी हाई होता है। स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा, बीएचयू में क्वेश्चन आता है इससे, एटलीस्ट ये टेबल तो ध्यान रख लीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्लांट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर आर नोन एज। जो प्लांट टिश्यू कल्चर से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सोमाक्लोन, ऑप्शन बी कैलीक्लोन्स, ऑप्शन सी प्रोटोक्लोन्स, ऑप्शन डी ऑल। सो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑल है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर से मिलते हैं उनको सोमाक्लोन, कैलीक्लोन्स और प्रोटोक्लोन्स सब कुछ कहते हैं। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन फॉर शॉर्ट रन पीरियड। ऑप्शन ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन सी फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, ऑप्शन डी प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। आपको बताना है कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, जो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप और प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है उसमें हम डील करते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट लगाते हैं। जो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट उसको रिसोर्स रिसोर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं, उसमें हम डील करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम लीस्ट कॉस्ट मेथड निकालते हैं और इसको प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में हम डील करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, एंटरप्राइज सिलेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इक्वी मार्जिनल रिटर्न हम इसमें डील करते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें दो आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जो शॉर्ट टर्म इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है वो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आता है, और जो लॉन्ग रन पीरियड के लिए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है वो आता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए ओवरहेड कॉस्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी संक कॉस्ट, ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट। स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट को संक कॉस्ट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, स्पेशल कॉस्ट भी बोलते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब दोनों को सम कर लेते हैं तो आती है इकोनॉमिक कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। ये सारे कॉस्ट कंसेप्ट जब मैं इकोनॉमिक्स पे वीडियो बना रहे थे तब सारे बताए थे, अगर रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज उसको एक बार देख लेना। रेड आइकन पे क्लिक करना जिसमें ए लिखा है वो वीडियो आ जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो जो फिक्स कॉस्ट होती है, वैसे आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, फिक्स कॉस्ट जो होती है ये प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ चेंज नहीं होती। जैसे आपका लैंड टैक्सेस है, इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं और एनुअली हायर्ड लेबर हैं, उनको आपको पैसा देना ही है चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो। उसके बाद स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, मतलब अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर ये कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, जैसे सीड, फीड, फर्टिलाइजर, वाटर, लेबर हायर्ड, ये सारे आपकी प्राइम कॉस्ट के टाइप हैं। उसके बाद मतलब प्राइम कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट मनी वैल्यू ऑफ दोज इनपुट विच आर सप्लाइड बाय फार्मर हिमसेल्फ, उनको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट इनपुट मतलब कितना पैसा डायरेक्टली इनकर्ड हुआ फार्मर का जब वो कोई फार्म कमोडिटी रेज कर रहा था, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, इसके बारे में तो पता नहीं आपने कितने बार पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन होता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पैनल डिस्कशन इज अ फॉर्म ऑफ डैश मेथड। अभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन 100% स्टूडेंट ने सही करना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पैनल डिस्कशन कौन सा मेथड है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी मास या फिर कम्युनिटी, ऑप्शन डी नन। अभी स्टूडेंट जब क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो तीन आप पढ़ते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप, मास। अगर 2 to 30% हो तो ग्रुप होता है, और अगर 30% से ज्यादा हो तो मास होता है। तो इंडिविजुअल मेथड में फार्म एंड होम विजिट, पर्सनल लेटर, टेलीफोन कॉल, ऑफिस कॉल, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट ग्रुप मेथड में सिंपोजियम जिसमें 2 to 5 स्पीकर्स होते हैं, पैनल जिसमें 2 to 8 स्पीकर होते हैं, जो कि इसका राइट आंसर है, डिस्कशन, लेक्चर, टूर एंड फील्ड डेज, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। और स्टूडेंट मास और कम्युनिटी मेथड में इसमें 30% से ज्यादा होते हैं, बुलेटिन, लीफलेट, बुक, फोल्डर, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, एग्जीबिशन, ये सारे आपके मास कॉन्टेक्ट होते हैं स्टूडेंट, इनको कम्युनिटी मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखना।
कुछ और ग्रुप मेथड भी ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट। ग्रुप मेथड में आपका मीटिंग है, रोल प्लेइंग है, पपेट शो ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है, स्लाइड, पीएई, पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट, ये आपका ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है, स्कूल, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ट्रेनिंग कैंप, फ्लैश कार्ड्स, ये सारे आपके ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है स्टूडेंट, फ्लैश कार्ड ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट मास कॉन्टेक्ट मेथड में टेलीविजन है, रेडियो है, सर्कुलर लेटर मास कॉन्टेक्ट मेथड है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, फेयर्स, पोस्टर, सिनेमा, मूवी, ड्रामा एंड सॉन्ग्स, ये सारे आपके मास कॉन्टेक्ट मेथड है। मास या फिर कम्युनिटी बेस्ड मेथड स्टूडेंट ये ध्यान रख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन फॉर्मड इन द ईयर, स्टूडेंट ये भी 100% स्टूडेंट ने सही करना चाहिए। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1977, स्टूडेंट ये सारे यहाँ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें देखिए, इस वाली टेबल में आपको तीन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम याद रखने हैं। एक तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960 में आया था जब हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी पन्नगर। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में आया था, नेशनल सीड एक्ट 1966 में आया था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964 में आया था। उसके बाद ये हाई ईडिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, 1966 से 1967 में आया था। उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान रख लीजिएगा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में आया था। उसके बाद स्टूडेंट आरआरबी ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी बने थे, इसमें डेट गलत है। उसके बाद डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977 में आया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। और आईआरडीपी ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1980 में आया था। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी। देखिए बीटी के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, आपको बताना है कि इसमें से बीटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी फैकल्टेटिव, ऑप्शन सी स्पोर फॉर्मिंग, ऑप्शन डी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट जो इसका सही आंसर होगा वो है नन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये ध्यान रख लीजिएगा। सारे बीटी ग्राम पॉजिटिव होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और स्पोर फॉर्मिंग होता है। जो बैसिलस पॉपुली होता है ये ऑब्लिगेट नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बैसिलस पॉपुलाई होता है वो ऑब्लिगेट नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। बाकी बीटी की सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्राम पॉजिटिव, फैकल्टेटिव, स्पोर फॉर्मिंग और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ध्यान रख लीजिएगा, एक इशीवाटा साइंटिस्ट था, इन्होंने सबसे पहले बीटी के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, आई एम होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज अपने दूसरे फेलोमेट्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए और प्लीज अपना स्कोर जरूर कैलकुलेट कीजिए। थैंक यू।